चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला पार्ट है उसको हम एक तरह से सब टॉपिक या सब चैप्टर भी मान सकते हैं, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या फिर केटीजी। तो चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी जो है, इसमें अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर दो जगह आता है, ये केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, और दोनों के अंदर मोर और लेस वही कैलकुलेशंस, वही सवाल, काफी बहुत सारी चीजें इसमें रिपीटेटिव से ही रहती हैं। बट चलिए इंपॉर्टेंस भी इसकी अगेन इसी हिसाब से बढ़ भी गई, क्योंकि इसके सवाल तो आपको केमिस्ट्री के अंदर भी करने पड़ते हैं और फिजिक्स के अंदर भी करने पड़ते हैं। तो मोर और लेस थ्योरी भी सेम है, सवालों के लेवल भी सेम है, सवालों की सिचुएशन भी काफी हद तक फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम सी रहेगी। तो चलिए बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि हम गैसेस किन को कहेंगे। एज यू नो इट वेरी वेल कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर गैसेस जो होती हैं उनकी डेंसिटी रिलेटिवली काफी कम रहती है, और उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। सॉलिड्स में अगर मॉलिक्यूल्स अगर हम कहें तो मोर और लेस फिक्स्ड होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े से रिलेटिवली रिलैक्स्ड होते हैं, एंड गैसेस के अंदर तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा मोशन में होते हैं और रैंडम डायरेक्शन के अंदर अच्छी खासी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं गैसेस इज कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग रैपिडली इन रैंडम डायरेक्शंस। अलग अलग डायरेक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़ा भाग रहे होंगे, और उनके उन मॉलिक्यूल्स का जो कलेक्शन होगा उसको गैसेस कहेंगे। फेयर एनफ। इन गैसेस की जो स्टडी है बड़ा, उसको हम ऑफकोर्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहेंगे। हम गैसेस दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हमारे कोर्स के हिसाब से बड़ा दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है आइडियल गैस और दूसरी है आपकी बेटा रियल गैस। फिजिक्स के कोर्स में सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस है, रियल गैसेस कोर्स में है लेकिन फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में है। तो आप रियल गैसेस जो होंगे बड़ा मोस्टली आप वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हालांकि हल्का फुल्का अपन भी देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इतना इश्यू नहीं है। आइडियल गैसेस ऑफ कोर्स हम कुछ अजम्पशंस लेंगे, और उन अजम्पशंस को फॉलो करने वाले जो थ्योरेटिकल गैस हैं, ऑफ कोर्स है ना, एक्चुअल गैस तो बड़ा रियल गैस ही होगी, लेकिन एक तरह से हम थ्योरी डेवलप करते हैं चीज़ों को आसान करने के लिए। तो उस थ्योरी को डेवलप करने के लिए हम गैस पर कुछ अजम्पशंस मानेंगे, जो गैस उन अजम्पशंस को फॉलो करती है उसे हम आइडियल गैस कहेंगे। तो हमारे जो आइडियल गैस है इट फॉलोज सम अजम्पशंस, इट फॉलोज सम अजम्पशंस, एंड रियल गैस इज ऑफ कोर्स द प्रैक्टिकल गैस, जो एक्चुअल बड़ा गैस होती है वो तो अपनी रियल गैस ही होती है। ठीक है, चलिए बेटा हमारी आइडियल गैस के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ अजम्पशंस हैं, देखते हैं बेटा वो क्या अजम्पशंस हैं, कौन से अजम्पशंस हैं, उनके क्या थ्योरी है, उनके क्या बातें हैं, धीरे धीरे करके सारी बातें देखते हैं। चलिए हेडिंग लिखिए, Assumptions of ideal gas। बेटा ideal gas के कुछ assumptions सुनिएगा। सबसे पहली बात बेटा, हम किसी कंटेनर के अंदर मान रहे हैं कि ये कोई ideal gas है। अगर ये कंटेनर है तो इसके अंदर बेटा आपके गैसेज मॉलिक्यूल्स हैं, रेंडमली हर डायरेक्शन के अंदर भाग रहे हैं। ठीक, हमारा सबसे पहला assumption ये है कि इस कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे नहीं कि कोई एक मॉलिक्यूल हो, दो मॉलिक्यूल हो, तीन मॉलिक्यूल हो, इसमें खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हजारों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या के अंदर इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन हमारे पास ये है कि कंटेनर के अंदर जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो खूब सारे हैं, ऐसा नहीं कि बड़ा एक दो पार्टिकल्स हो, खूब सारे पार्टिकल्स हैं। तो पहला अजम्पशन बेटा मेरे पास ये है, नंबर ऑफ gaseous molecules in container is very large।
बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है बड़ा वो कंटेनर के अंदर है. फेयर एनफ. मेरा दूसरा असम्पशन ये है कि हमारे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स. दे आर बिहेविंग लाइक वेरी स्मॉल इलास्टिक सॉलिड स्फीयर. इलास्टिक मतलब बेटा उनके कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वन वैल्यू वन है और अगर ये किसी के साथ अगर कोलिजन वगैरह करते हैं तो एनर्जी का किसी प्रकार से कोई लॉस नहीं होगा. एनर्जी का बेटा किसी प्रकार से कोई लॉस नहीं होगा. सो दूसरा असम्पशन हमारे पास ये है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल. बेटा एक जैसे ही है. एक जैसे कि मेरे कहने का अर्थ है कि भाई ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, हीलियम के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, क्लोरीन के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि ऑक्सीजन और क्लोरीन का मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे. मेरे कहने का अर्थ है गैसियस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, इलास्टिक, वेरी स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स. ठीक है बेटा. इलास्टिक है तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि उनके बीच जो भी कोलिजन होंगे उनमें किसी प्रकार से एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा. तो जो मैंने इलास्टिक बोला है इसका एक बेसिक अर्थ भी है कि देयर विल बी नो लॉस इन कोलिजन्स. ये जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं ये अगर आपस में टकराते हैं या फिर अगर दीवार से टकराते हैं तो उस टक्कर में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा. वेरी स्मॉल है बड़ा. अगर वेरी स्मॉल है इस बात का ये अर्थ है कि अगर मैं मॉलिक्यूल्स को अगर देखूं तो बड़ा बहुत कम जगह घेरेंगे. हालांकि जो सारी की सारी गैस है पूरे कंटेनर में है लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़ा बहुत काफ़ी कम जगह घेरेंगे. मेरे कहने का अर्थ सुनना, मैं इसको अलग से एज ए पॉइंट लिख रहा हूं. अगर ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें खूब सारे ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऐसे भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं. मैं लगातार इनका टेम्परेचर कम करता गया, कम करता गया, कम करता गया तो कभी ना कभी हमारी जो गैस होगी वो लिक्विफाई हो जाएगी. और अगर मैं उसका टेम्परेचर अगर और कम करता गया तो वही जो गैस थी वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी और फिर सॉलिड में कन्वर्ट होगी. जैसे ही सॉलिड में कन्वर्ट होगी वैसे ही ये सारे के सारे जो गैस है सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो उसके बाद सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे बड़ा थोड़ी सी जगह के अंदर आके बैठ जाएंगे. ऐसे बहुत कम जगह के अंदर आके बैठ जाएंगे. इस जगह के अंदर बड़ा सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे बैठे हैं, ऐसे समझ के बैठे, ऐसे बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आके बैठे. तो जो मॉलिक्यूल्स बड़ा बहुत छोटे छोटे हैं, अगर हम पूरी की पूरी गैस को अगर सॉलिडिफाई कर लेंगे तो बहुत छोटी सी जगह के अंदर आके बैठ जाएंगे और बहुत छोटी सी जगह घेरेंगे. अगर कोई हमें कहे वॉल्यूम ऑफ गैस तो वॉल्यूम ऑफ गैस डजंट मीन कि बड़ा सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है उनको जोड़ दिया. ना ना, उसका अर्थ ये नहीं है. अगर मान लीजिए कि एक इकलौता वॉल्यूम है और उसका रेडियस अगर r है तो उसका खुद का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³. मान लीजिए बेटा एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ गैस. वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब ये है कि इन मॉलिक्यूल्स के पास घूमने फिरने के लिए कितनी जगह है. और ऑफ कोर्स इनके पास जो घूमने फिरने के लिए जो जगह है वो है इस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर. हालांकि कोई बच्चा कह रहा होगा कि सर कंटेनर के वॉल्यूम में से आपको ये वाला वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा जिस वॉल्यूम के अंदर आपके गैसेस पार्टिकल्स हैं, क्योंकि बड़ा ऑफ कोर्स बात है कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसमें से कुछ जगह तो मॉलिक्यूल्स ने खुद ने भी घेर रखी होगी. लेकिन मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि कंटेनर का वॉल्यूम बोलो या फिर कंटेनर के वॉल्यूम में से जो मॉलिक्यूल्स ने जो हल्का फुल्का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा उसको माइनस कर दो, वो एक ही बात है. सो व्हेनेवर समवन सेज वॉल्यूम ऑफ गैस आई जस्ट मीन कि इट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. इट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. आइडियली वॉल्यूम ऑफ गैस का अर्थ होता है कि वॉल्यूम ऑफ द रीजन इन विच द मॉलिक्यूल्स कैन मूव. लेकिन बेटा मॉलिक्यूल्स तो सारे में घूम सकते हैं पूरे पूरे कंटेनर में, तो कंटेनर का वॉल्यूम लिख सकते हो. एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन करनी होती तो मुझे इसमें से वो वाला वॉल्यूम माइनस करना पड़ता जो मॉलिक्यूल्स का खुद का है. तो मुझे माइनस करना पड़ता एन मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल के पास बड़ा कितना वॉल्यूम है 4/3 πr³. लेकिन हमने अजम्पशन मान रखा है कि हमारे जो सारे के सारे स्फीयर हैं बड़ा हमारे सारे के सारे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो स्फीयर बना रखे हैं उनका वॉल्यूम बहुत ही छोटा है. तो वॉल्यूम ऑफ गैस ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. आप हमेशा इस पॉइंट को याद रखें, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोलना या बड़ा वॉल्यूम ऑफ गैस बोलना एक ही बात.
ठीक है, ये बेटा अजम्पशन समझ में आ गया। अगला अजम्पशन, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं लगा रहे, किसी प्रकार का कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं लगा रहे, नो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स। हमने जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स लिए उनके बीच में हम किसी प्रकार का कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक, कोई किसी भी प्रकार का बड़ा गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपने इंटरेक्शन कंसिडर नहीं किया, याद कीजिए बेटा, हर इंटरेक्शन में कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक पोटेंशियल एनर्जी भी हुआ करती थी। अगर आपने इंटरेक्शन कंसिडर नहीं किया, इट मींस दैट किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। तो आप कह सकते हो कि हमारी जो आइडियल गैस है इसके पास किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अच्छी बात, अभी तो बेटा हमारे अजम्पशंस खत्म नहीं हुए, अभी तो बेटा अपने स्टार्ट किया। हमारे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं बेटा उनके अजम्पशंस चल रहे हैं। हमने अभी तक जितनी बातें देखी हैं उसमें खास बात हमने ये देखी कि गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे स्फीयर हैं, इलास्टिक हैं, टक्कर के दौरान एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, और ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बात है। नेक्स्ट, अगली बात, जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छी खासी स्पीड से इधर उधर भाग रहे हैं रैंडमली विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन। से मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितने पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहे होंगे उतने पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहे होंगे, जितने पार्टिकल लेफ्ट से राइट आ रहे होंगे उतने राइट से लेफ्ट जा रहे होंगे, जितने से आगे से पीछे जा रहे होंगे उतने पीछे से आगे जा रहे होंगे। तो आप ऐसा कह सकते हो, अगला अजम्पशन ये है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑफ कोर्स गैसेस मॉलिक्यूल्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन एवरी पॉसिबल रैंडम डायरेक्शन विदाउट गिविंग preference to any direction. When I say without giving preference to any direction, so I obviously mean that ये जितने particles थोड़ा ऊपर से नीचे आ रहे हैं उतने particle नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बेटा कि बहुत सारे molecules हैं, अगर मैंने ऐसे एक horizontal cross section बनाया, ठीक, horizontal cross section बनाया, तो कोई ना कोई gaseous molecule अगर नीचे की तरफ 5 meter per second से भाग रहा होगा तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐसा भी होगा जो बड़ा 5 meter per second से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस तरह से एक ऐसा बड़ा वर्टिकल सी वॉल बनाऊं तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल के पास अगर इस तरफ वेलोसिटी अगर 100 meter per second रही होगी तो किसी न किसी मॉलिक्यूल के पास इधर की तरफ भी वेलोसिटी 100 meter per second रही होगी। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर आपका कंटेनर रेस्ट पे है, तो अगर आप सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की अगर एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, तो बेटा वो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी 100 i cap है तो किसी न किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी -100 i cap भी होगी, बिकॉज वी आर सेइंग दैट कि ना सारे के सारे पार्टिकल्स हर रैंडम पॉसिबल डायरेक्शन मूव कर रहे हैं विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन। और अगर विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन है तो कोई पार्टिकल इधर जा रहा तो कोई ना कोई पार्टिकल इधर भी जाएगा। किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी अगर 5 j cap होगी तो किसी न किसी पार्टिकल के पास -5 j cap भी होगी, और अगर एवरेज निकालोगे तो बड़ा ऑफकोर्स सारे के सारे वेलोसिटीज अगर ऐड करोगे तो 15 i cap -15 i cap कैंसिल हो जाएगा, 5 j cap -5 j cap क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर कोई कंटेनर रेस्ट पे है तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो जीरो आएगी, एवरेज स्पीड जीरो नहीं आएगी, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का भी फर्क पड़ता है। तो मैं अगली बात इसी बात से मोटिवेट होगी। अच्छा, मैं एक बात वापस बोलना भूल गया, ऑल द मॉलिक्यूल, अच्छा बड़ा मैं बोलता हूं, मैं लिख देता हूं, इफ कंटेनर इज एट रेस्ट
अगर बेटा कंटेनर रेस्ट पे है देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज जीरो, एवरेज बेटा वेलोसिटी जो जीरो रहे, ठीक है। आगे चलिए बेटा, अगला पॉइंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में टक्कर करेंगे, ऑफकोर्स जो कंटेनर उसकी दीवार से भी टक्कर करेंगे, सारे कोलिजन इलास्टिक होंगे और जो टक्कर का टाइम होगा वो बहुत छोटा होगा। आप एक अगला अजम्पशन लिख सकते हो, गैसियस मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड विथ वॉल ऑफ कंटेनर, जो भी कंटेनर है उसकी वॉल से, एंड अदर मॉलिक्यूल्स, और जो भी कोलिजन होंगे सारे के सारे कोलिजन आपके इलास्टिक होंगे, और अगर इलास्टिक कोलिजन होंगे तो बड़ा ऑफकोर्स एनर्जी का किसी प्रकार से कोई लॉस नहीं होगा। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा बेटा, सुनना इस बात को, मैं क्या इसमें क्या कहना चाह रहा हूं कि एक गैसेस मॉलिक्यूल जो है ये गया दूसरे मॉलिक्यूल से टक्कर हुई, जैसे ही टक्कर हुई अब ये रैंडमली बड़ा किसी और डायरेक्शन में भाग जाएगा, फिर यहां पर किसी और गैसेस मॉलिक्यूल से टक्कर हुई बड़ा ये फिर कहीं ना कहीं और भाग गया, फिर बड़ा यहां कहीं पहुंच गया, फिर अगेन इसके बड़ा किसी न किसी और मॉलिक्यूल से टक्कर हुई, ये बड़ा चलते 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 यहां पहुंच गया। तो ये हर रैंडम पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर इस तरह से भाग रहा है और हर टक्कर के बाद ऐसे रैंडम डायरेक्शन में भाग जाता है। इस तरह का जो मोशन है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। दिस नेम इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। दो कंसेक्यूटिव टक्कर के बीच का जो टाइम है इट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। यहां से यहां तक का टाइम लेट्स से टाउ वन है, यहां से यहां तक का जो टाइम है बड़ा लेट्स से टाउ टू है, यहां से यहां तक का जो टाइम है बड़ा ये लेट्स से टाउ थ्री है, यहां से यहां तक का जो टाइम है बड़ा वो लेट्स से टाउ फोर है। दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का जो समय है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, और उन सारे के सारे रिलैक्सेशन टाइम का जो एवरेज होगा उसे हम मीन रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। बड़ा क्या शब्द यूज करेंगे? मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो आप कह सकते हो कि दैट इज टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस टाउ फोर प्लस 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 डिवाइड बाय बेटा जो भी आपके नंबर ऑफ कोलिशंस हों से डिवाइड कर दो। ये आ गया आपके पास मीन रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इसी तरह से दो कंसेक्यूटिव टक्कर करने के दौरान इस पार्टिकल ने बेटा कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। लेट से बेटा दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लैम्डा वन, इसे हम बोलेंगे फ्री पाथ। बड़ा क्या शब्द यूज करेंगे? फ्री पाथ। फिर अगले कोलिजन में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की लैम्डा टू, ये फिर से इसकी फ्री पाथ। फिर अगले कोलिजन में इसने बड़ा लैम्डा थ्री डिस्टेंस ट्रेवल की, उसे हम बड़ा बोल देंगे अगेन फ्री पाथ। फिर बड़ा अगले कोलिजन से पहले उसने लैम्डा फोर डिस्टेंस ट्रेवल की, ये लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा फोर जो है ये फ्री पाथ्स हैं। इनके जो एवरेज होंगे उसको हम मीन फ्री पाथ कहेंगे। एवरेज फ्री पाथ कह दो या मीन फ्री पाथ कह दो, एक ही बात है। तो अगर बेटा मैं लैम्डा मीन अगर निकालना चाहूं तो दैट विल बी लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री डिवाइड बाय ऑफ कोर्स बेटा जो भी आपके नंबर ऑफ टाइम्स चला है वो। इट इज नोन एज योर मीन फ्री पाथ। बेटा मीन ऑफ कोर्स मींस एवरेज, दिस इज योर मीन फ्री पाथ। ठीक है बच्चों, ये वाली बात तो बड़ा समझ में आई गई होगी, आसान भी लगी होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमने जितनी बातें की हैं उनके बेसिस पे बड़ा एक छोटा सा कंक्लूजन और निकालते हैं, हमने कहा कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडम पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर भाग रहे हैं, ठीक है, और विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन।
तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि लेट्स से कोई मॉलिक्यूल है, गैसेस मॉलिक्यूल है, जिसका मास जो है वो m है, इसके पास x एक्सिस के अलोंग बड़ा वेलोसिटी है vx, y के अलोंग जो बड़ा वेलोसिटी है वो है vy, और z के अलोंग जो वेलोसिटी बड़ा लेट्स से इसके पास है vz। मैं आपसे पूछूं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर इसकी वेलोसिटी विल बी ऑफ कोर्स वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। आप मोर और लेस ऐसा कह सकते हो कि वी एक्स वी वाई वी जेड जो है मोर और लेस बराबर से ही होंगे। मगर आपसे ये पूछूं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर। बट आपको तो स्पीड का स्क्वायर निकालना आता है, स्पीड विल बी रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यू कैन से दैट दैट विल बी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन है, तो आप कह सकते हो कि वी एक्स वी वाई वी जेड जो है मोर और लेस बड़ा बराबर से ही आएंगे। आप ये भी कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कि बड़ा पार्टिकल की नेट स्पीड v है, तो मैं कह सकता हूं कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैं कह दूं कि vx vy और vz अगर बराबर है, तो दैट इज vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। यहां से आप कह सकते हो कि vx का जो स्क्वायर है इट इज बेसिकली v स्क्वायर बाई 3। ऑन एन एवरेज ऐसा वन थर्ड वाला फैक्टर आ जाएगा। वन थर्ड का फैक्टर वी एक्स के पास होगा, बड़ा वी एक्स के स्क्वायर के पास होगा, वन थर्ड का फैक्टर वी वाई के स्क्वायर के पास होगा, और वन थर्ड का फैक्टर वी जेड के स्क्वायर के पास होगा। ठीक है, ये बड़ा इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल की है। अगर आपके पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो आप बड़ा वो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। अगर मैं कभी आपसे पूछ लूं कि इस गैस के पास कितनी एनर्जी है, कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज एनर्जी ऑफ गैस, तो मेरे दिमाग में दो ही आएंगी बातें। एक आएगी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी मेरे पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चे मुझे बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी को मत लिखो, क्योंकि आपके जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में तो आपने इंटरेक्शन ही कंसिडर नहीं की, उनके बीच में जब इंटरेक्शन ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो आप कह सकते हो कि एनर्जी ऑफ गैसेस विल बी, एक अकेले के पास एनर्जी है हाफ एम स्पीड का स्क्वायर, और आपके पास बड़ा मान लीजिए कि अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो बड़ा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एन, अगर सबके पास स्पीड बराबर है तो। अदरवाइज बड़ा ऑफकोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से जोड़ते जाओ। हम कभी ना कभी उसको जोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो एनर्जी ऑफ गैस होगा इसे हम इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस भी कहेंगे। बड़ा इसे हम इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस भी कहें। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही आपकी बड़ा इंटरनल एनर्जी। यहां तक ठीक है ना। अगला अजम्पशन, बड़ा अगला हमने ये अजम्पशन लिया है कि हम ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करेंगे। हम एक बार ना बिना ग्रेविटी के बड़ा एक बार गैसेस को डिस्कस कर रहे हैं। सवालों में ग्रेविटी हो सकती है, लेकिन हम आइडियल गैस को डिफाइन करते वक्त ग्रेविटी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वी आर Neglecting gravity, बड़ा हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं करता तो मैं ऐसे कहता, कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पर नीचे की तरफ mg 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 लग रहा है, इस कारण मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वर्टिकली जो नीचे होंगे वहां पर ज्यादा इकट्ठे होंगे और वहां पर डेंसिटी होगी ज्यादा, और ऊपर बड़ा ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल्स कम रहे होंगे, क्योंकि बड़ा मोस्टली मॉलिक्यूल्स तो ग्रेविटी नीचे खींच ले और ऊपर रहती बड़ा आपकी डेंसिटी कम। लेकिन हमने तो बड़ा बोल दिया इस बात को कि हम तो ग्रेविटी कंसीडर नहीं कर रहे, और अगर ग्रेविटी कंसीडर नहीं कर रहे तो हम हर जगह बड़ा डेंसिटी बराबर मान सकते हैं। अगर हम ग्रेविटी कंसीडर नहीं करेंगे तो गैस की हर जगह डेंसिटी आप सेम मान सकते हो। अगर आपने ग्रेविटी कंसीडर की तो नीचे डेंसिटी ज्यादा होगी, ऊपर डेंसिटी कम होगी। तो वी आर नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी, सो वी कैन अज्यूम, वी कैन अज्यूम दैट
डेंसिटी ऑफ गैस इज यूनिफॉर्म, कि ये जो गैस है उसकी डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म है। ठीक है बेटा, आगे चले। आगे चलिए बेटा, चलिए बच्चों हम ग्रेशर जो हमारी गैस है उसका प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते हैं, है ना। हालांकि आपने केमिस्ट्री में डिफाइन भी किया होगा बट हम भी करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस क्या है बेटा? प्रेशर ऑफ गैस, अगर किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी हुई है, अगर बेटा ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर बड़ा गैस भरी हुई है, गैस हर पॉसिबल रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर बड़ा भाग रही है, कूद रही है, फांद रही है। अगर मैं इस फेस को देखूं, लेट्स से बड़ा इसका एरिया ए है, तो लगातार इस पर गैसेस मॉलिक्यूल्स आकर टकराते होंगे। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स आकर लगातार टकरा रहे हैं वो इस फेस पर बड़ा कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं। आकर टकरा कर वापस आते होंगे, फिर टकराते होंगे, फिर वापस आते होंगे, टकराते होंगे, वापस आते होंगे। तो जरूर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दीवार का जो कंटेनर है उसकी दीवार पर लगातार टक्कर कर रहे हैं, और टक्कर कर करके दीवार पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं। दिस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर ऑफ द गैस। ये जो फोर्स है अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूं तो दिस इज डिफाइंड एज प्रेशर ऑफ गैस। तो सबसे पहली बात बेटा हम डिफाइन कर रहे हैं प्रेशर को। प्रेशर इज सिंपली फोर्स अप्लाइड बाय कोलाइडिंग गैस मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर force applied by colliding gases molecules on walls of container per unit area, force per unit area is defined as pressure of gas। बढ़ाई है हमारे गैस का प्रेशर। प्रेशर के बारे में एक दो छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात, जो बड़ा प्रेशर है उसकी यूनिट, बड़ा एज यू नो इट वेरी वेल कि इसकी यूनिट फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। ठीक है, हमारा बड़ा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो प्रेशर है उसको हम 1 एटीएम लिखते हैं, बड़ा इसकी वैल्यू 1.01 इंटू 10 रेस टू पावर 5 पास्कल के आसपास आती है। ठीक, कभी अगर 1 बार लिखा हो तो दैट इज 10 रेस टू पावर 5 पास्कल। अगर मैं प्रेशर की बड़ा डायमेंशन की अगर बात करूं तो इट इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। बड़ा फोर्स की डायमेंशन तो होती है एम एल टी माइनस टू, एरिया क्या होती है एल स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दिस इज डायमेंशन। प्रेशर जो है बड़ा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ये तो बड़ा जिस तरफ सरफेस होती है उस तरफ फोर्स लगाया जाता है। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो तो बड़ा सरफेस डिसाइड करती है, प्रेशर डिसाइड नहीं करती। ये बड़ा आपका प्रेशर ऑफ गैस। तो
तो हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रेशर ऑफ गैस, हम बड़े आराम से कह देंगे प्रेशर ऑफ गैस इज सिंपली कि गैस ने कंटेनर की दीवारों पर कितना फोर्स लगाया है, दैट फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल इज डिफाइंड एज द प्रेशर, एंड सिंपल दैट इज, ये बड़ा ही हमारा प्रेशर है। आगे चलिए बेटा, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डिफाइन किया है, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ गैस, बड़ा वापस से लिख रहा हूं तुम्हें, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर का वॉल्यूम है बेटा वही हमारे गैस का वॉल्यूम है, क्योंकि आइडियल गैस में हमने मान के चला कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने तो बहुत जगह कम घेरी है, मतलब बहुत कम जगह घेरी है, और अगर बहुत कम जगह घेरी है तो हम कह सकते हैं कि वो है ना सारा का सारा जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो उनके पास खाली पड़ा है घूमने फिरने के लिए, और आप कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर का वॉल्यूम है बड़ा वही हमारे गैस का वॉल्यूम है। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट बहुत ही ट्रिवियल सी बात है बट बड़ा फिर भी लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपने केमिस्ट्री में दो तरीके से लिख रखा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कितने गैस के मॉलिक्यूल हैं उनको अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, उनको बेटा किससे डिवाइड कर दो, अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो दैट इज नोन एज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स बेटा मान लीजिए कि आपके पास n है और अवोगैड्रो नंबर बेटा मान लीजिए मैंने एन ए लिख दिया है, ये जो रेशियो है दिस रेशियो इज सिंपली डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स। अगेन आपने हल्का फुल्का केमिस्ट्री में पढ़ रखा, हल्का फुल्का ने आपने बहुत बड़े ऐसे पढ़ रखा केमिस्ट्री के अंदर कि नंबर ऑफ मोल्स को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, दैट इज मास ऑफ गैस, कि गैस का टोटल मास कितना है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस को बड़ा हम अक्सर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को बड़ा हम कैपिटल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे देख रहे हो बेटा, जैसे आपकी इच्छा हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कभी आपको कह दूं कि बेटा मेरे पास 480 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो हम बड़े आराम से बोल देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स होंगे मास अपॉन मोलर मास, मास बेटा 480 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, बेटा ऑक्सीजन गैस का मोलर मास पता है क्या, बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल पता है, ऑक्सीजन गैस के अंदर बेटा ऑफ कोर्स हम जानते हो कि बेटा इस तरह से हमारे पास दो ऑक्सीजन होते हैं, एक ऑक्सीजन का बेटा मेरे ख्याल से एटॉमिक मास 16, तो दो को हो गया 32, तो इसका मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम बेटा क्या हो गया कैंसिल, बड़ा मेरे ख्याल से 16 से चला जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 15 मोल्स, इसका मतलब बड़ा कितने मोल्स है 15 मोल्स। अरे एक बात बोलना भूल गया कि अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, बड़ा अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप लोगों ने शायद पढ़ रखी होगी अगेन केमिस्ट्री के अंदर, 6.023 × 10^23, ये है बेटा हमारे नंबर ऑफ मोल्स की कहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा सारी बातें रिपीट कर रहा हूं, सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, हो सकता है कि आप हल्के से बोर भी हो रहे हो बट बेटा मुझे तो सारे के सारे आपके अच्छे नोट्स बनवाने हैं इसलिए मैं तो पूरा बोल रहा हूं सारी बात। चलिए बच्चों, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज टेम्परेचर ऑफ गैस, बेटा नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये टेम्परेचर ऑफ गैस क्या रिप्रेजेंट करता है,
टेम्परेचर ऑफ गैस रिप्रेजेंट करता है कि कंटेनर के रेस्पेक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास कितना ज्यादा रैंडम मोशन है। क्या है बेटा? कितना ज्यादा रैंडम मोशन है। सुनना मेरी बात को, सुनना। अगर मेरे पास ये कोई कंटेनर है और इसमें खूब सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बड़ा मान लो कि ऐसे इधर उधर भाग रहे हैं, चल मचा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, टेम्परेचर कम किया और टेम्परेचर कम करते 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 पूरे अरेंजमेंट का टेम्परेचर जीरो केल्विन कर दिया। जीरो केल्विन इज -273 डिग्री सेल्सियस, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर तो आपकी गैस जो है वो लिक्विफाई होकर सॉलिडिफाई हो जाएगी, मतलब लिक्विड बनकर सॉलिड बन जाएगी, और लिक्विड बनकर सॉलिड बन जाएगी। और इस केस में इस टेम्परेचर पर आपका जो सारा का सारा गैस है वो बेटा सुपर कंडेंस स्टेट में आ गया है। बेटा कहां आ गया है? सुपर कंडेंस स्टेट में आ गया है। सुपर कंडेंस स्टेट का मतलब बेटा सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे आ चुके हैं, वो वाइब्रेट तक नहीं कर रहे हैं। और इस टाइम पर अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो मेरा जवाब होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज जीरो। मॉलिक्यूल्स आर एट एब्सोल्यूट रेस्ट, उनके पास किसी प्रकार की कोई एनर्जी है ही नहीं, दे आर एट एब्सोल्यूट रेस्ट, कहीं नहीं जा रहे बेटा वो, दे आर एट एब्सोल्यूट रेस्ट। अब धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाओ, जीरो केल्विन से आपने 2 केल्विन, 3 केल्विन, 4 केल्विन, 5 केल्विन, 6 केल्विन, 60 केल्विन, 70 केल्विन किया। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपकी जो गैस है वो सॉलिड ही रहेगी, उस टाइम पे सॉलिड ही रहेगी, लेकिन वो तो सॉलिड के तो मॉलिक्यूल्स हैं, वो धीरे 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 वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उनके बीच में जो वाइब्रेशंस होंगे वो बढ़ेंगे, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते 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 अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, जो भी सब्सटेंस है, जो भी ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हीलियम है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचोगे, तो उस टाइम पर जो सारा का सारा जो सॉलिड था, सॉलिड फॉर्म में जो ऑक्सीजन गैस थी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के पास मोशन और बढ़ जाएगा, मोशन और बढ़ जाएगा, तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। आपने टेम्परेचर और बढ़ाया, तो अब तो लिक्विड स्टेट में है, अब मॉलिक्यूल्स और फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी और बढ़ रही है, अगर आप टेम्परेचर ऐसे लगातार बढ़ाते गए तो हो सकता है कि बड़ा ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि ये जो लिक्विड था अब ये लगातार बड़ा वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, अब ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, जैसे गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी उनके पास और ज्यादा बढ़ गई, वो और ज्यादा रैंडम पॉसिबल डायरेक्शन से मूव करेंगे। और अगर आप लगातार टेम्परेचर बढ़ाते गए तो सारा लिक्विड वापस से गैस में कन्वर्ट हो गया, और उस गैस का भी अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स और फास्टली और रैंडमली इधर उधर भागेंगे, तो हम कह सकेंगे उतनी ही ज्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। मैंने बहुत ही ट्रिवियल सी बात बोली लेकिन तुम्हें फील कराने के लिए बोली है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा कंटेनर के रेस्पेक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास, गैस के पास उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। सो हायर टेम्परेचर मींस हायर रैंडम मोशन, हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विद रेस्पेक्ट टू द कंटेनर, दैट्स इट। तो आप कह सकते हो टेम्परेचर ऑफ गैस रिप्रेजेंट्स या फिर बड़ा बोल सकते हो इस तरह से बोल सकते हो, हाई टेम्परेचर मींस हाई रैंडम स्पीड्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड हैंस हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। सो बड़ा हाई टेम्परेचर मीन्स कि हमारा जो गैस है बड़ा वो उतने ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ रैंडम पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा
हम ये टेम्परेचर भी समझ ही गए। मैं बेटा यहां पर एक जल्दी से एक पॉइंट बोलता हूं, ठीक है। हालांकि आपने केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा, फिजिक्स में उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी बेटा बोल देता हूं, दैट इज बॉयलर्स लॉ, एंड इट सेज दैट कि किसी गैस का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो गैस का जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। वॉल्यूम जैसे जैसे घटाओगे वैसे 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 प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर घटेगा। दिस इज नोन एज योर बॉयलर्स लॉ। इसी तरीके से बड़ा के पास एक चार्लीज लॉ है। बड़ा अगेन आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, अपने बड़ा कोई बहुत ज्यादा यूज का नहीं है। अगर किसी कंटेनर के अंदर अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट बोल दिया, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे ऐसे आप वॉल्यूम, जैसे ऐसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, और आप कह सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बस नाम पता होना चाहिए, बाकी आप हल्के हल्के केमिस्ट्री पढ़ रखे होंगे। हमारे फिजिक्स में तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ये काम का है कि इन सबको मिलाकर हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, दैट इज समथिंग लाइक दिस, कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। कोई भी आइडियल गैस जो होगी वो किसी भी पॉइंट पर प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू सम कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर के बराबर होगी। पी इज ऑफकोर्स प्रेशर ऑफ गैस। अगेन ये दोनों जो लॉज हैं वो इसी के स्पेशल केस हैं, इसी के स्पेशल केस हैं। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो आप देख पा रहे हो बड़ा प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसी तरह से अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सेम। ये याद रखना अपन को। तो वी क्या बेटा, वी इज ऑफकोर्स वॉल्यूम ऑफ गैस। ये एन क्या है बेटा, एन इज ऑफकोर्स नंबर ऑफ मोल। What is this T? T is बेटा of course temperature, लेकिन बेटा इस formula में जब भी temperature लिखोगे तो हमेशा Kelvin में लिखोगे। Kelvin में लिखने का conversion आपको आता है, जो भी degree Celsius में value हो उसमें 273 add कर दिया करो, जो भी degree Celsius में value हो बेटा उसके अंदर 273 add कर दिया करो, तो आपके पास Kelvin के अंदर value आ जाएगी। R is known as beta gas constant। इसकी जो वैल्यू हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं वो SI यूनिट में करते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर बेटा ऑफकोर्स इसको ATM लीटर वगैरह में भी याद किया होगा, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं। हमारे काम का बेटा सिर्फ और सिर्फ SI यूनिट में है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में, एंड दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर कैल्विन। 8.314 को बड़ा हम कई बार कैलकुलेशन आसान करने के लिए 25/3 भी लिख लेते हैं। यूनिट इज बड़ा जूल पर मोल पर कैल्विन। सर ये यूनिट जूल पर मोल पर कैल्विन कैसे बनी? देख बेटा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम बड़ा ऑफकोर्स मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो न्यूटन इंटू मीटर बच गया। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल, जूल पर मोल पर केल्विन, आपका आ गया आर। एक कांस्टेंट और याद रखना है, दैट इज आर को अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करता हूं। आर कितना था? 8.314। अवोगैड्रो नंबर है 6.023 × 10^23। ये जो वैल्यू आती है बड़ा ये आती है 1.38 × वैसे याद करने की तो जरूरत नहीं है, सवाल होगा तो बड़ा दे रखा हुआ इसकी वैल्यू भी, बट फिर भी चलो लिख दिया बड़ा। इसको हम स्मॉल केस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बड़ा इट इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर इनटू टी। अच्छी इक्वेशन बेटा, हम इसके थोड़े अल्टरनेट फॉर्म भी देखेंगे। पहले बेटा मैं एक छोटी सी हल्की सी एक डेरिवेशन भी कर रहा हूँ, हालांकि अगेन इस तरह की डेरिवेशन आपने केमिस्ट्री में देखी होगी, बट मैं भी बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं आएगी बट आपको पता होनी चाहिए, आपके नोट्स में तो कम से कम होनी चाहिए। तो चलिए बेटा, एक छोटी सी डेरिवेशन सुनिएगा बेटा, मेरे पास एक कंटेनर है, क्यूब है बेटा, लेंथ एल, विड्थ एल, हाइट एल, इसके अंदर खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने एक जानबूझ के एक मॉलिक्यूल को पकड़ा जिसका मास है एम, इसके पास बड़ा वेलोसिटी इस तरफ है वी एक्स, इस तरफ है वी वाई, और बड़ा बाहर की तरफ है लेट से वी जेड। ये मॉलिक्यूल जाता है जाता है जाता है और इस फेस से टक्कर करता है। जैसे ही इस फेस से टक्कर करेगा बड़ा देखना, तो टक्कर से पहले इसके पास वेलोसिटी इस तरफ वी एक्स थी, इस तरफ वी वाई थी, और बाहर की तरफ आते हुए बड़ा वी जेड थी। आप इतना तो जानते हो कि ये जब दीवार इससे कोलिजन करेगी तो सिर्फ और सिर्फ वी एक्स को चेंज करेगी, वी वाई और वी जेड पर किसी प्रकार कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो जस्ट टक्कर के बाद इस मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी इस तरफ वी एक्स हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी अब भी वी वाई रहेगी, और बाहर की तरफ आती हुई आपकी अब भी वी जेड रहेगी। इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। ये जो मॉलिक्यूल है जब टक्कर हुई तो उससे पहले इसके पास मोमेंटम था राइट साइड में एम इंटू वी एक्स, वाई और जेड तो अनचेंज्ड है उनकी चिंता मत करो। जस्ट कोलिजन के बाद इसके पास मोमेंटम है लेफ्ट साइड में बड़ा कितना एम इंटू वी एक्स, तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ है। इसका मतलब मोमेंटम अगर चेंज हुआ है तो इस पार्टिकल पर इधर की तरफ कोई ना कोई इंपल्स लगा है। क्या लगा बेटा? इंपल्स लगा है, और इधर की तरफ जो इंपल्स लगा है, इंपल्स इज ऑफ कोर्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एम वी एक्स में से एम वी एक्स माइनस करोगे वेक्टर में करना है, तो ऑफ कोर्स तुम इस बात को समझ गए होंगे कि इसका चेंज इन मोमेंटम आया है इस तरफ और उसकी वैल्यू आई है टू टाइम्स एम वी एक्स। तो पार्टिकल पर इस तरफ इंपल्स लगा है या फिर चेंज इन मोमेंटम है टू एम वी एक्स, तो जो इंपल्स लगा है पार्टिकल पर इस तरफ वही पार्ट वही इंपल्स लगा होगा इस दीवार पर इधर की तरफ। तो इस दीवार पर इधर की तरफ एक इंपल्स लगा है जिसकी वैल्यू है 2mvx, और ये इंपल्स हर कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद लगता ही रहेगा। सर किस टाइम इंटरवल के बाद? ये वाला पार्टिकल जो है इसने अब इंपल्स लगाया, फिर जाएगा जाएगा जाएगा, यहां से टक्कर करेगा, फिर वापस आएगा 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 वापस आएगा। जाने का टाइम होगा ऑफ कोर्स एल बाई वी एक्स, आने का टाइम होगा एल बाई वी एक्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर 2L अपॉन वी एक्स टाइम के बाद इतना इतना इंपल्स ये वाला पार्टिकल लगातार दीवार पर लगाता जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल है, इकलौता जो पार्टिकल है, ये कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स होगा ऑफ कोर्स कितना इंपल्स लगा रहे हो 2mvx, हर कितने टाइम में 2L अपॉन वी एक्स। 2 से 2 बड़ा क्या हो गया? कैंसिल। ये फोर्स लगाया बेटा इस पार्टिकल ने, लेकिन ये वाला फोर्स तो सिर्फ पहले पार्टिकल ने लगाया है, ऐसे तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल हैं, तो सब की वजह से फोर्स लिख लो और जोड़ दो। अब बेटा मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं, इसकी वेलोसिटी में vx1 लिख रहा हूं, 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 और इसने जो फोर्स लगाया उसमें f1 लिख रहा हूं। ऐसे कोई दूसरा पार्टिकल होगा उसने फोर्स लगाया होगा F2, मैं वापस से कैलकुलेशन करने के मूड में नहीं हूं, उसका मास भी होगा तो M ही ना, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स तो सेम मास के हैं, ऑक्सीजन भरी हुई तो सब ऑक्सीजन का मास तो सेम ही होगा, M इंटू
वी एक्स टू का होल स्क्वायर अपॉन एल, तीसरा पार्टिकल होगा उसने फोर्स लगाया होगा एम इंटू वी एक्स थ्री का स्क्वायर अपॉन एल, चलते जाओ जो nth पार्टिकल होगा उसने फोर्स लगाया होगा एम इंटू वी एक्स एन का स्क्वायर अपॉन एल। अगर मुझे सारा फोर्स चाहिए है बेटा, अगर मुझे सारा का सारा फोर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सारे फोर्स को जोड़ दूंगा भाई, सबके वजह से डायरेक्शन तो सेम है, तो डायरेक्शन की अपनी चिंता ही नहीं है, डायरेक्शन की तो बेटा अपन को चिंता है ही नहीं, हम तो सारे के सारे फोर्स को जोड़ लेंगे। और जैसे ही मैंने फोर्स को जोड़ा है बेटा, जैसे मैंने फोर्स को जोड़ा मैंने कहा कि जितने आपके फोर्सेस हैं सारे जोड़िए, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर एम बाहर निकाल लो, एल बाहर निकाल लो, निकाल लिए बेटा बाहर, ब्रैकेट में क्या बच गया, ब्रैकेट में मेरे पास बच गया वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस 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 वी एक्स एन का स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए कि बेटा आपके पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, क्या है बेटा एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो मैं एन से एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, क्या कर दिया बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो पहली वाली गैस के पास जो स्पीड है उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, चौथे का स्क्वायर, सारे के सारे स्क्वायर को उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया, तो ये एक तरह से स्क्वायर का एवरेज है, किसका एवरेज है स्क्वायर का एवरेज है, मीन है किसका है स्क्वायर का। तो आप कह सकते हो कि सर ये जो वैल्यू है ये मीन है, मीन को बेटा मैं इस साइन से रिप्रेजेंट करता हूं, इस साइन से रिप्रेजेंट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन एल बेटा एक गैस का मास है एम और एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो m इंटू एन से तो पूरी गैस का मास आ गया, क्या आ गया पूरी गैस का मास आ गया। यार पूरी गैस के मास को कैसे लिखूं, पूरी गैस के मास को कैसे लिखूं, पूरी गैस के मास को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, जैसे इच्छा वैसे लिख दो बेटा की मर्जी, ऐसे मैं लिख सकता हूं n इंटू एम, ये तो पूरी गैस का मास अपॉन l, बड़ा ये vx का स्क्वायर, मैं जानता हूं कि vx का स्क्वायर, vy का स्क्वायर और vz का स्क्वायर तीनों एवरेज जो होंगी बेटा हर डायरेक्शन सेम है, तो ये vx का जो स्क्वायर का एवरेज है या फिर vy के स्क्वायर का जो एवरेज है या फिर बेटा vz के स्क्वायर का जो एवरेज है ये सेम आएगा, और तीनों का जो सम है, तीनों का जो सम है vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर और vz का स्क्वायर, इनका जो सम है बड़ा वो तो पूरी गैस की जो नेट स्पीड है उसके एवरेज के बराबर आना चाहिए। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बड़ा vx के स्क्वायर को, मैं यहां से लिख सकता हूं जो भी स्पीड्स हैं उनके स्क्वायर का एवरेज डिवाइड बाई थ्री, डिवाइड बाई थ्री। सर मुझे प्रेशर चाहिए, मुझे फोर्स नहीं मुझे तो प्रेशर चाहिए। अरे बेटा तेरे को प्रेशर चाहिए तो एक काम कर ऐसे लिख ले कि प्रेशर इज सिंपली क्या बेटा फोर्स अपॉन एरिया, इसका एरिया बेटा कितना है एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया मास ऑफ गैस अपॉन एल क्यूब अपॉन एल क्यूब इंटू जो भी स्पीड्स हैं उनका स्क्वायर का एवरेज डिवाइड बाई थ्री। जो भी स्पीड्स हैं जितने भी गैस मुल्क हैं उनका स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, उन सबका एवरेज डिवाइड बाई थ्री। ये बड़ा मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम, ये तो डेंसिटी होती है बड़ा, क्या होती है डेंसिटी। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन थ्री। बेटा मैं इस वी स्क्वायर को बोल रहा हूं वी आर एम एस का स्क्वायर, आर एम एस मतलब क्या है रूट मीन स्क्वायर, पहले सारी स्पीड का स्क्वायर लिया
फिर सारी स्पीड का बड़ा क्या लिया, स्क्वायर लिया, फिर उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया, तो बड़ा क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो। तो बड़ा इसको तुम कह सकते हो कि सर मेरे पास ये आ गया है वी आर एम एस का स्क्वायर। और यहां से बड़ा ये जो बड़ा वैल्यू थी बड़ा, इसको मैं वी आर एम एस का स्क्वायर कह सकता हूं, और मेरे पास रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है बड़ा, वो आ गई है 3 P/ρ। और अगर आपको वी आर एम एस लिखना है तो आप कह सकते हो कि दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 P/ρ। ये बड़ा हमारे पास रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि सारे पार्टिकल्स की जितनी 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 स्पीड है ना, उन सबका स्क्वायर क्या, स्क्वायर क्या, स्क्वायर क्या, स्क्वायर क्या, स्क्वायर क्या, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया। उस वी आर एम एस की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट ऑफ 3 times प्रेशर अपॉन डेंसिटी के बराबर होगी। बड़ा अंडर रूट ऑफ 3 times प्रेशर अपॉन डेंसिटी के बराबर होगी। तो मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं कि बड़ा रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है। हमने एक छोटी सी डेरिवेशन की है, हालांकि ये डेरिवेशन आपके लिए हो सकता है कि रिपीटेटिव हो, आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ी हो, बट मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास कोई डब्बा, डब्बे में पहले वाले गैसेस मॉलिक्यूल के पास स्पीड है v1, दूसरे के पास है v2, तीसरे के पास स्पीड है v3, चौथे के पास स्पीड है v4, पांचवे के पास स्पीड है v5, और nth पार्टिकल के पास स्पीड है vn। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो मेरा सीधा मतलब होगा एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, पहले वाले पार्टिकल की स्पीड, दूसरे वाले पार्टिकल की स्पीड, तीसरे वाले पार्टिकल की स्पीड, चौथे वाले पार्टिकल की स्पीड, पांचवे पार्टिकल की स्पीड, छठे पार्टिकल की स्पीड, nth पार्टिकल की स्पीड डिवाइड बाई n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दूसरी ऐसी बड़ा मैंने एक टर्म और इजाद किया बड़ा अभी अभी बड़ा, वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर। बड़ा क्या शब्द है उसके, आर एम एस, वी आर एम एस, जो अर्थ है जस्ट उल्टा है। पहले स्क्वायर कर दो, सारी स्पीड का स्क्वायर कर दो, फिर मीन ले लो। फिर सर मीन कैसे लेते हैं, पहले स्क्वायर फिर मीन, मीन कैसे लेते हैं, सारे स्क्वायर को जोड़ दो। पहले स्क्वायर करो, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर प्लस 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 vn का स्क्वायर डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बड़ा क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस पहले स्क्वायर फिर मीन और आखिर में बड़ा तेरा क्या आएगा, रूट। आखिर में क्या आएगा, रूट। और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा अंडर रूट ऑफ 3 times इस गैस के अंदर प्रेशर कितना है डिवाइड बाय इस गैस की डेंसिटी कितनी है, ये अंडर रूट ऑफ 3 P/ρ के बराबर आएगा। बड़ा किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 P/ρ के बराबर। ये बड़ा हमारा रूट मीन स्क्वायर, बड़ा हमारी ये रूट मीन स्क्वायर की स्पीड है। आई होप यू गेट द पॉइंट, बड़ा कैसे हम इन बातों को डिस्कस कर सकते हैं। और रूट मीन स्क्वायर का अर्थ इंपॉर्टेंट है, बाकी बातें सब तो चलती रहती। बेटा अर्थ समझ आ गया ना, कि सारी स्पीड का स्क्वायर किया, फिर बेटा उनको नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड किया, फिर आखिर में उसका रूट ले लिया, पहले स्क्वायर फिर मीन और फिर आखिर में रूट। ये बेटा आपका रूट मीन स्क्वायर है। चलिए बेटा, आपको बेटा आखिर में सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखना है, डेरिवेशन में इतना मतलब कोई खास काम नहीं था। फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ एक दो बातें तो कम से कम इस डेरिवेशन से सीखे ही होंगे। आगे चलता हूं बेटा, एक छोटा सा PV इज इक्वल्स टू NRT का एक अल्टरनेट फॉर्म और है बेटा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ गैस, ये होता है बेटा फॉर्मूला। तो मास ऑफ गैस मैंने लिख दिया m, पूरी गैस का मास, अकेले मॉलिक्यूल का नहीं, पूरी गैस का मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू RT। मैं इसको लिख सकता हूं p इनटू m इज मास अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। बड़ा p इनटू m, बड़ा ये क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, गैस का मास अपॉन गैस का वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ द गैस। आप कह सकते हो सर तो डेंसिटी ऑफ गैस इनटू RT।
तो PV इज इक्वल्स टू NRT और PM इज इक्वल्स टू रो RT, ये दोनों के दोनों एक तरह से एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म है। अक्सर हमारे PV इज इक्वल्स टू NRT काम आता है, लेकिन बेटा हमारे कभी कभी किसी किसी सवाल के अंदर PM इज इक्वल्स टू रो RT भी काम आ सकता है। तो प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल्स टू रो RT। इससे बड़ा मैं एक बात और बोल सकता हूं कि P अपॉन रो जो है उसको बड़ा आप RT अपॉन कैपिटल M भी लिख सकते हो, और इस कारण से किसी भी गैस की जो RMS स्पीड है, RMS स्पीड मतलब क्या है कि सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स को जितनी जितनी स्पीड है उनका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर सारे सबको जोड़ दो, फिर जितने गैस मॉलिक्यूल उनकी संख्या से डिवाइड कर दो और फिर उनसे रूट ले लो, वो जो आएगा वो हमेशा 3 times P/rho, P/rho कैन बी रिटन एज RT अपॉन M के बराबर। सब चीजें SI यूनिट में लिखें, अगर आप SI यूनिट में नहीं लिखोगे तो गलती भी हो सकती बेटा। तो जब भी आप बेटा RMS स्पीड निकालें तो कम से कम क्या बोलना चाह रहा बेटा, हाँ तो कम से कम बेटा इस बात का ध्यान रखें कि उसको आप SI यूनिट में सारे के सारे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के अंदर सारे के सारी चीजें लिखो। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में नहीं लिखोगे तो बेटा ऑफकोर्स हमारा आंसर गलत तो आ ही जाएगा, हमला गलत आ जाएगा और क्या, गलत थोड़ी चाहिए। दो छोटे छोटे सवाल कीजिए, दो छोटे छोटे सवाल कीजिए। हमारे पास बेटा ये कोई गैस है, इस गैस का जो प्रेशर है बेटा वो 3×10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है बेटा। और जो गैस की जो बेटा डेंसिटी है, बेटा गैस की जो डेंसिटी दे रखी है वो मुझे 3 × √ स्पीड ऑफ गैस इन कंटेनर, कंटेनर में जो गैस है उसकी RMS स्पीड निकालो। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं हर मॉलिक्यूल की स्पीड देखूं, फिर उसका स्क्वायर करूं, फिर उन सबको जोड़ूं, फिर मॉलिक्यूल की संख्या से डिवाइड करूं, फिर आके मैं रूट लूं, ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन दे भी नहीं रखी है। तो RMS का क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, और RMS का मेरे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ थ्री बड़ा प्रेशर कितना है 3×10⁶ अपॉन बड़ा डेंसिटी, डेंसिटी इज 1.44 बड़ा 339, 9 का रूट तो बड़ा 3 आ जाएगा, 10⁶ का बड़ा रूट कितना आ गया 10�³ बड़ा 1.44 का रूट तो बड़ा कितना आएगा 1.2 3 अपॉन 1.2 इज ऑफकोर्स 2.5 × 10³ मीटर पर सेकेंड। अंदर जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी RMS स्पीड जो है बेटा वो 2.5 × 10³ मीटर पर सेकंड के बराबर है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो RMS स्पीड है वो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड है अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। सबकी स्पीड इतनी नहीं है, सबकी स्पीड थोड़ा 0 से लेकर बहुत ज्यादा तक है, उन सबके स्पीड का स्क्वायर किया और फिर मॉलिक्यूल्स की संख्या से डिवाइड किया तो वो जो वैल्यू आएगी उसका जो रूट होगा वो आपका 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। आगे चलिए बच्चों, एक सवाल और पूछ लूं। सुनना बेटा अगला सवाल, हमारे पास ये कंटेनर है, हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन गैस है और अंदर का जो टेम्परेचर है बड़ा वो 27 डिग्री सेल्सियस है,
find root mean square velocity of oxygen gas in container. इस कंटेनर में जो ऑक्सीजन गैस है उसका वीआरएमएस निकालो. यू निकालने के बंदो. हाँ, फॉर्मूले में इस बार बड़ा प्रेशर और डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. इस बार बड़ा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन एम वाला. तो चलिए अभी यूज करते हैं. वीआरएमएस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला चेंज कौन सा करेंगे यूज, अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन एम. 3 ठीक है बेटा. आर एस आई यूनिट में मेरे बच्चे याद रखते हैं 8.314 लिख दो या 25/3 लिख दो. टेम्परेचर 27, सॉरी बेटा 27 नहीं 300. सर यहाँ 27 लिखा है, यहाँ 300 क्यों लिख रहे हो? एस आई यूनिट में लिखना है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में लिखना है. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है. और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू थी उसमें 273 ऐड कर दो, तो 300 केल्विन आपके पास आ गई. डिवाइड बाई एम, बड़ा आपने ट्राई कर लिया होगा. एम लिखने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, और वो इसलिए कि वो ऑक्सीजन का मोलर मास 32 लिख देते हैं. लेकिन जरा सोचो 32 क्या होता है? 32 केजी पर मोल थोड़ी होता है, 32 ग्राम पर मोल होता है. और मुझे किसमें लिखनी है? एस आई यूनिट. एस आई यूनिट बड़ा ग्राम होती है, क्या होती है आप वैसे, किलोग्राम होती है. तो 32 नहीं इंटू 10^-3 केजी पर मोल. अब मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया. अब जो आंसर आएगा बेटा वो आपका सही आंसर होगा. तो 32 नहीं लिखना है, 32 × 10^-3 लिखना है. चलिए बेटा सॉल्व कर लेना. जो भी आंसर आएगा बेटा अब वो मीटर पर सेकंड में आएगा. चल मैं भी हल्का फुल्का तो निकाल देता हूं. कितना है बेटा? 25 × 3 × 10^5 अपॉन 32. 25 बड़ा क्या 25 बड़ा ये 4.84 × 10^2 मतलब 484 मीटर पर सेकंड. ये आंसर आ गया. इसका ये अर्थ बिल्कुल मत निकालना कि सारे ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड इतनी है. अरे नहीं बेटा, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड तो 0 से लेकर वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड तो कुछ भी हो सकती है. लेकिन उनके सारे के सारे स्पीड का अगर मैं स्क्वायर करूं पहले तो, फिर उन सबको जोड़ूं और फिर उनको उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या से डिवाइड करूं, फिर आखिर में उसका रूट लूं, तो जो वैल्यू आएगी वो 484 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगी. मेन गलती मेरे बच्चों से ये होती है कि वो 32 लिख देते हैं, इसलिए बड़ा उनका आंसर गलत आ जाता है. बाकी तो इसमें ऐसी कोई खास बात है नहीं कि तुम इसमें परेशान हो जाओ. ठीक है, आगे चले बच्चों. चलिए बेटा, हमारा जो PV = nRT है मैं उस पर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं. हालांकि उस सवाल का जो आंसर है वो आप लोग केमिस्ट्री में याद रखते हो, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, इसी बहाने वो पॉइंट फिर से बता दूंगा, आप लोग उसको केमिस्ट्री में याद भी रखते हो. बेटा आपने STP वर्ड बेटा पहले से सुन रखा होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटा टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो तो 0 °C होती है, और प्रेशर जो होता है वो बड़ा एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 mole ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 1 mole जो गैस है उसका कितना वॉल्यूम होगा ये निकालो. आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि फॉर्मूला डिमांड कर रहा है PV = nRT की. नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, R पता है, T पता है, वॉल्यूम
पता करना है, प्रेशर पता है, कर लेंगे पता। तो वॉल्यूम इज बेसिकली एन आर टी अपॉन पी, नंबर ऑफ मोल्स हो 1, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर बेटा टेम्परेचर भी 273, व्हाट इज द प्रेशर, दैट इज 1.013 इनटू 10 रेज टू पावर 5। ऑफकोर्स आंसर जो आएगा बड़ा वो एस आई यूनिट में आएगा, मैं निकाल लेता हूँ कितना आया, 8.314 इंटू 273, ठीक है ना, दिस डिवाइडेड बाई 1.013, ये बड़ा मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 2240 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। ऑफकोर्स द आंसर इज इन मीटर क्यूब। सब चीजें अगर आप इस तरह से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल निकालोगे रखोगे तो आंसर भी तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में ही आएगा। मीटर क्यूब को हमें लीटर में कन्वर्ट करना आता है, आता है बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज बड़ा एक लीटर, शायद आपको पता होगा कि 1 लीटर इज 10^-3 m³। 1 लीटर इज 10^-3 m³। तो मैं इसे लिख सकता हूं 22.4 बड़ा दो उधर ले इंटू 10^-3 m³। 10^-3 m³ इज ऑल्सो नोन एज लीटर्स। इसका मतलब ये जो गैस है ये 22.4 लीटर का वॉल्यूम घेरेगी। लेकिन आपने एक बात नोटिस की, मैंने आपको बताया नहीं कि कौन सी गैस है, ये ऑक्सीजन है, हीलियम है, क्लोरीन है, मैंने आपको बताया नहीं, फिर भी आपने आंसर निकाल दिया। इसका ये अर्थ निकला कि कोई सी भी गैस हो अगर वो STP पर है तो वॉल्यूम बड़ा सिर्फ और सिर्फ कितना घेरेगी, 22.4 लीटर। ये बात आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी भी होगी, लिखी भी होगी, और मोल कंसेप्ट के अंदर हो सकता है कि इस फैक्ट को आपने बहुत बार 50 बार यूज किया हो सकता है बड़ा आपने 50 बार इसको यूज भी किया हो। तो मेरे को तो खैर इतनी बात बोलनी थी कि आपके जो गैसेस मोलिक्यूल्स, सॉरी बेटा, आपकी जो गैस है कोई सी भी गैस हो, एक मोल गैस अगर STP पर है तो इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। फेयर एनफ, व्हाट एवर द गैस इट इज, कोई सी भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और बेटा, हालांकि थोड़ा सा रिपीटेटिव ही है बट सुनो। That is translational kinetic energy of gas. बड़ा गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इधर उधर जो भाग रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो रोटेशन के कारण जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं लिख रहा, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसके कारण कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो निकालता हूं। सुनिए बेटा, जैसा बता चुका हूं, एक अकेला गैस इस मॉलिक्यूल है, उसका मास बड़ा मैं एक बार के लिए m डैश मान लेता हूं, m डैश इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस का जो एक मॉलिक्यूल है उसका जो मास है बड़ा वो m डैश। इसके पास बड़ा तुम जानते हो स्पीड जो होगी वो x के अलोंग भी होगी, वाई के अलोंग भी हो सकती है, बड़ा जेड के अलोंग भी हो सकती है। हालांकि जो वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर और वी जेड का स्क्वायर का जो एवरेज आता है वो तीनों का सेम आएगा, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में प्रेफरेंस नहीं है। मैं तुमसे पूछूं इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलो सर इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इसकी स्पीड का स्क्वायर, आप बोलोगे सर दैट इज हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, ऐसे बोलोगे सॉरी बेटा इसका मास कितना है m डैश m डैश। ये तो काइनेटिक एनर्जी इकलौते की है, इकलौते की है।
इसके पास जो स्पीड है बेटा मैं Vx1, Vy1, Vz1 ऐसे लिख रहा हूं, तो Vx1, Vy1, Vz1 ऐसे ही दूसरा पार्टिकल होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम डैश, मास थोड़ा सेम होगा, उसके पास बेटा Vx2, Vy2, Vz2 ऐसे, तीसरा पार्टिकल होगा हाफ एम डैश Vx3 का स्क्वायर, Vy3 का स्क्वायर, Vz3 का स्क्वायर, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, जोड़ूंगा तो मेरे पास नेट काइनेटिक एनर्जी पूरी गैस की आ जाएगी, उसमें मेरे पास जो नेट काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा वो आएगी हाफ एम डैश, तो बेटा कॉमन आ गया, और मेरे पास देखो बेटा क्या है Vx1 का स्क्वायर, Vx2 का स्क्वायर, Vx3 का स्क्वायर, तो एक तरह से सिग्मा ऑफ Vx का स्क्वायर आ गया, इसी तरह से मैंने सिग्मा ऑफ Vy का स्क्वायर आ गया, इसी तरह से सिग्मा ऑफ Vz का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। इसको तुम पूरे को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, एक अकेले गैस मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो पूरी गैस का मास आ गया, पूरी गैस का मास आ गया, जो गैस है उसका मास बड़ा मैंने एम लिख दिया है, तो मैं लिख सकता हूं दिस काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली हाफ एम इंटू, ये देखो बड़ा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सारे के सारे वी एक्स का स्क्वायर लिया और उसको एन से डिवाइड कर दिया, ये बड़ा तुम्हारे सारे के सारे y के लॉन्ग जो स्पीड है उनका स्क्वायर किया और नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया, ये तुम्हारे बड़ा सारे के सारे z के लॉन्ग जो स्पीड है उनका स्क्वायर किया और n से डिवाइड कर दिया, अब बड़ा समझते हो इस बात को कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हाफ इंटू एम वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, सारे के सारे जो स्पीड्स हैं उनको ऐड किया, उनका स्क्वायर किया और फिर किससे डिवाइड कर दिया, उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड कर दिया, तो ना मेरे ख्याल से तो ये तेरे पास आ गया है आरएमएस का स्क्वायर, बड़ा पैसे क्या आ गया आरएमएस का स्क्वायर, सारे के सारे स्पीड्स का स्क्वायर किया बड़ा उनको डिवाइड कर दिया किससे, एन से, ही आ गया तेरे पास आरएमएस का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो दैट इज सिंपली हाफ इंटू पूरी गैस का मास इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि दैट इज हाफ इंटू मास, पूरी गैस का मास मल्टीप्लाई वी आर एम एस, बड़ा वी आर एम एस था रूट थ्री पी बाई रो, स्क्वायर किया तो थ्री पी बाई रो, बड़ा देखना दैट इज थ्री एम पी अपॉन टू रो, रो इज बड़ा मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम, मास से मास बड़ा क्या हो गया कैंसिल, आपके पास जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला आ गया थ्री बाई टू पी वी, या फिर थ्री बाई टू पी वी कैन बी रिटन एज एनआरटी, इस एनआरटी को मैं एक स्टाइल से वो लिख सकता था कैसे कि हाफ पूरी गैस का मास, बड़ा वी आर एम एस का एक फॉर्मूला और था, क्या फॉर्मूला था रूट ऑफ थ्री आर टी अपॉन एम, स्क्वायर किया तो रूट तो बड़ा गायब हो गया, मास अपॉन मोलर मास, अरे बेटा मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स, वापस से बड़ा वही आंसर आ गया थ्री बाई टू एन आर टी। सो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी गैसेस मॉलिक्यूल्स के सारे के सारे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो नेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा वो थ्री बाई टू पी वी या थ्री बाई टू एनआरटी होगी, बड़ा क्या होगी थ्री बाई टू पी वी या थ्री बाई टू एनआरटी। अगेन बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सीधा याद करना है, डेरिवेशन तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए है कि ये आपको कन्विक्शन हो सके कि हाँ बिल्कुल सही बातें हो रही है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि किसी कंटेनर के अंदर कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स अगर पड़े हैं, ये रहा आपका कोई कंटेनर और उसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स अगर इधर उधर रैंडम पॉसिबल डायरेक्शन अगर भाग रहे हैं तो उन सब की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू 3 बाई टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम या फिर 3 बाई टू इनटू एनआरटी होगी, बस इतनी सी बात बेटा, छोटा सा सवाल करते हैं।
बट आपके पास ये कोई कंटेनर, इसमें बड़ा गैस है, गैस जो है उसका प्रेशर बेटा मुझे दे रखा है 2 atm, और जो वॉल्यूम है बेटा मुझे वो दे रखा है 5 liter। जानबूझ के बेटा मैंने वैल्यूज है ना ऐसे ना एटीएम और लीटर में दे के आपको कन्वर्जन करना भी आए। फाइंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इन कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर जो गैस है उसकी ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी वो बताइए कितनी है, बता देंगे। दैट इज बड़ा क्या फॉर्मूला है, 3/2 PV। कितना प्रेशर, 2 atm, बड़ा 1 atm था। (1.013 N/m²). वॉल्यूम बेटा कितना, 5 liter है। अरे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो बेटा, सिखा रखा है तुम लोगों को 5 × 10⁻³⁻³ (m²). बेटा क्या हो गया, कैंसिल। न्यूटन इंटू मीटर बेटा क्या जाएगा, जूल। बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बेटा कर लेना मल्टीप्लाई किया, 15 × 1.013 N/m इज योर जूल्स। कर लेना मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आंसर बेटा, ये हमारा आंसर। आगे चले, एक और सवाल बेटा। कंटेनर है। इसके अंदर 37 degrees Celsius पर 16 gram हीलियम पड़ा है। 16 gram हीलियम गैस है कंटेनर के अंदर, और टेम्परेचर जो है बेटा वो आपका 37 degrees Celsius है, 37 degrees Celsius है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कि इसके अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स कूद फांद कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, जिन रैंडम पॉसिबल वेलोसिटीज से इधर उधर भाग रहे हैं, उन रैंडम वेलोसिटीज के कारण कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो आप बोलोगे मैं हर एक पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी निकालता रहूंगा, आपने वो फॉर्मूला सिखा रखा है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 nRT। पासा पलट दिया अपन ने, तो प्रेशर और वॉल्यूम पता थे तो वो लगा दिया, अब बेटा ये लगा देंगे। नंबर ऑफ मोल्स, मास 16 gram, हीलियम का मोलर मास, बेटा हीलियम बेटा मेरे ख्याल से मोलर मास आप लोगों को पता ही होगा 4 g/mol। सर अब तो आप मोलर मास ग्राम में यूज कर रहे हो, वहां पर आपने kg कहा था, बेटा वहां पर मैंने, यहां पर मैं ग्राम में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मास भी ग्राम में है, मोलर मास भी ग्राम में है। ग्राम ग्राम क्या जाएगा, कैंसिल। मर्जी हो तो केजी में कर लो, ये भी केजी में लिखूंगा, ये भी केजी में लिखूंगा, तो ऊपर भी 10⁻³, नीचे भी 10⁻³, वो 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका वही आएगा कि जो मोल है उसकी संख्या तो 4 ही है। तो दैट इज 3/2 × बड़ा नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 4। बड़ा आर की वैल्यू बड़ा 8.314 भी लिख सकते हो, 25/3 लिख सकते हो। टेम्परेचर 37 लिख दूं आपको, ना सर 37 लिखते हैं क्या, पागल हो क्या, 37 नहीं बल्कि हम केल्विन में लिखेंगे बड़ा, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर लिखना हो तो 273 को ऐड कर दो बड़ा, देखना ना क्या वैल्यू आती है बड़ा, बड़ा 310 × 50। इतनी काइनेटिक एनर्जी। आई होप बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि आपको ये भी लग रहा होगा सर सारी बातें रिपीटेटिव हैं, जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा मोर और लेस वही है। हाँ बेटा काफी हद तक चीजें वैसे की वैसी हैं, बट कुछ चीजें नई भी आएंगी, जो नई आएगी उन पर ऑफकोर्स मैं हल्का सा स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा दूंगा। ये बातें तो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी भी होंगी, नहीं पढ़ी तो ठीक है आप पढ़ ले, ठीक है बेटा। आप लोग साउंड वेव्स की जो शीट थी और जो बाकी काम है बेटा वो निपटाते रहो, जो बेटा पुरानी शीट है उनको निपटाते रहो।